नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। अमिताभ बच्चन के समधी और स्कॉट ग्रुप के चेयरमैन राजा नंदा की श्रद्धांजलि सभा मंगलवार को नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में हुई। यहां बॉलीवुड, व्यापार और राजनीति से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां पहुंची। राजा नंदा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए बिग बी यहां पर नजर आए। उन्हें देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो लंबा सफर तय करके यहां तक पहुंचे हैं। दरअसल अमिताभ अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के लिए बुल्गारिया में थे, जिस वजह से वो राजा नंदा के फ्यूनरल में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन उनके बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या इस मौके पर श्वेता को सपोर्ट करने के लिए वहां मौजूद थे। बता दें, राजा नंदा बिग बी की बेटी श्वेता नंदा के ससुर और निखिल नंदा के पिता थे। राजा नंदा कपूर फैमिली के भी करीबी रिश्तेदार थे। श्रद्धांजलि सभा में अमिताभ बच्चन के साथ साथ जया बच्चन, रणधीर कपूर, राजीव कपूर, ऋषि कपूर, करिश्मा कपूर सहित अनेक फिल्म अभिनेता पहुंचे। इस दौरान राजा नंदा को याद कर सभी की आंखें नम दिखी। हर कोई इस मौके पर भावुक हो गया। बता दें, अमिताभ बच्चन ने अपने समधी को भावुक विदाई दी। उन्होंने तुलसीदास का रामायण में लिखी संस्कृत की उन पंक्तियों को पढ़ा जिसमें कहा गया कि आत्मा अमर है, उसे ना तो आग जला सकती है, ना ही पानी भिगो सकता है, ना ही हवा सुखा सकती है और ना ही कोई तीर उसे भेद सकता है। संस्कृति की पंक्तियों को बिग बी ने हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद कर लोगों को उसका अर्थ बताया। आगे उन्होंने कहा कि हम सभी राजा नंदा की मौत से दुखी है, लेकिन वो अब और अच्छी जगह पर पहुँच चुके हैं। बता दें, राजा नंदा का रविवार को 8 बजे गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।